भारत की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रिलायंस है, वर्ल्ड की कौन सी है बताओ, पता है? इंडिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस है, लेकिन वर्ल्ड की कौन सी है बताओ? इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिलायंस करती है, वर्ल्ड में कौन करता है बताओ? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ, ये सारे काम उसके हैं जो कि मोटा भाई के सप्लायर है। हाँ, मोटा भाई मोटे पैसे कमा रहे हैं ऑयल को रिफाइन करके, और सबसे ज्यादा पैसे वो कमा रहा है जो ऑयल निकाल रहा है, और उस कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। मुकेश अंबानी जी कितने पावरफुल है आपको पता है, वो सिर्फ भारत देश के सबसे बड़े आदमी है और देश की सबसे बड़ी कंपनी चला दे, जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी चला रहा है उसकी पावर इमेजिन करो। और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो प्राइवेट भी नहीं है, सरकारी कंपनी है। सऊदी अरेबो इज ए सरकारी कंपनी, सऊदी अरेब गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इसकी पूरी कहानी अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड है तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहानी चालू होती है सन 1933 में। सऊदी अरब एक रेगिस्तान था, लेनी देनी कुछ नहीं थी, लेकिन वहां पे ऐसा अंदेशा था कि यार ऑयल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, कैसे निकालें? अब इनके पास ऑयल के भंडार है पर निकालना नहीं आता, तो निकालने कौन जाएगा? अमेरिका, हर जगह वही पहुंचता है भाई साहब। तो 1933 में सऊदी अरब की सरकार से और कैलिफोर्निया की बेस एक ऑयल कंपनी थी सोकेल, उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने कहा हम दोनों मिलके क्या करेंगे, जगह आपकी है ढूंढेंगे हम, तो ऑयल के कुएं हम ढूंढेंगे और निकालने की तैयारी हम करेंगे, बस तुम्हें निकालने की अनुमति दे दो। तो इन्होंने जॉइंट वेंचर करके कंपनी बनाई, कंपनी का नाम क्या रखा? कैलिफोर्निया सऊदी अरेबिया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। बाद में 1944 में इस कंपनी का नाम बदल के अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी कर दिया, वो हो गया अरामको, AR अरेबियन, AM अमेरिकन, CO कंपनी। अब ये जो अमेरिका की साइड वाली कंपनी थी, इन्होंने तीन कंपनियों ने आपस में गठजोड़ कर लिया, शेवरॉन, टेक्सको और एक्सन मोबिल। ये तीनों कंपनियां बिचारी लगी रही 1933 के आसपास, एक साल, दो साल, पांच साल मेहनत की, इनको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन लास्ट में जाके इनको सफलता मिली और एक शानदार बहुत बड़ा तेल का कुआं इनके हाथ लग गया, और वो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का कुआं है। जितने बैरल ऑयल वो निकालता उतना वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी नहीं निकालता। अरामको कंपनी 1944 में इसका नाम हो गया था, लेकिन धीरे धीरे शेखों को समझ में आया भैया इसमें तो इतना पैसा कमाते हैं, आधी पार्टनरशिप तो भाई साहब इनकी है, अब हमको तो भाई साहब देखो जगह हमारी है ही, तेल के कुआं हमारा है, निकालने की तो बात थी, निकाल दो यार हम खुद भी लेंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अमेरिका से वो जो शेयर था खरीदना चालू किया, और खरीदते खरीदते 1980 तक 100% ओनरशिप इन्होंने अपने नाम कर ली और फिर कंपनी का नाम रख दिया सऊदी अरामको। तो अब तक क्या था, 80s तक दोनों पार्टनर थे, अब 100% ओनरशिप सऊदी अरब की सरकार की। सऊदी अरब को काम क्या करती है भैया, सबसे पहले तो ये तेल निकालती है और क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती है। इसके पास कुछ रिफाइनरीज भी है जहाँ पे कुछ लेवल पे ये रिफाइन को प्रोसेस भी कर देती है, पेट्रोल डीजल भी बना देती है, पर मेजर ये क्रूड ही करती है। तो इसका क्रूड आता है जामनगर रिफाइनरी और वहां से मोटा भाई बन रहा है अमीर। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की जामनगर की इनकी केस स्टडी आ चुकी है और बहुत सारी आनी बाकी है, अभी अंबानी की बातें होनी बाकी है, टाटा की होनी बाकी है, इंडिया हीरो की स्टोरी आनी बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, छोड़ना मत, नहीं तो मिस नुकसान आपका है, मेरा तो नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको पहली बार पता पड़ा है सऊदी अरामको, आप बोले अरे हम तो लेट हो गए, जाने कितने लोगों को कितने वर्षों से पता होगा। 2017 तक किसी को नहीं पता पड़ा था कि सऊदी अरामको इतनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि इन्होंने सरकारी कंपनी है कभी अपनी बैलेंस शीट, कभी अपने खाते दुनिया के सामने रखे ही नहीं। 2017 में पहली बार जब इन्होंने खाते दुनिया के सामने रखे तब दुनिया की आंखें फटी रह गई कि भैया ये क्या चीज़ है। वैसे आज की डेट में तो एप्पल सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो चुकी है, सऊदी अरामको से थोड़ा आगे ही चल रही है, लेकिन सरकारी में और ट्रेडिशनल बिजनेस में अभी भी सबसे बड़ी कंपनी यही है। तो आप बोलोगे राहुल जी जब आज तक इसको राज रख रखा था, 1933 का सामान है, 80 में पर खुद का हो गया था, 42 साल बाद इनको 37 साल बाद ऐसी क्या पड़ी कि इसको प्राइवेट करना पड़ा या दुनिया को दिखाना पड़ा? सर जी बात ऐसी है कि जो शेखों का दबदबा था, जो ऑयल का दबदबा था, वो एक समय पे बहुत ज्यादा था और आज भी है, हल्की बात नहीं, लेकिन समय के साथ ये दबदबा खत्म होगा। ऐसा हमारे खान सर जो मेरे फेवरेट है कहते भी हैं कि एक बार तेल खत्म फिर तो भैया खेल खत्म। तो क्या होगा आने वाले भविष्य में, ईवी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है, सोलर की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो धीरे धीरे पेट्रोल पे से दुनिया की डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, और डिपेंडेंसी कम होती जाएगी तो इनकी रेवेन्यू भी कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि भैया अब तक जब तक हमारे सुनहरे दिन चल रहे हैं इसमें जितना कमाना है
कमा लो। तो इन्होंने कहा कि भैया कैसे मैं इस कंपनी से रेगुलर प्रॉफिट के अलावा और पैसा कैसे निकाल सकता हूँ। तो किसी भी कंपनी को अगर अपनी ट्रू वैल्यू रियलाइज करनी है, सिर्फ एक तरीका है, IPO। जब अपनी कंपनी को आप मार्केट में लिस्ट करते हो और मार्केट कैप बनती है, क्योंकि अगर अडानी जी को देखोगे, अडानी जी का प्रॉफिट कोई खास नहीं है, अडानी जी का रेवेन्यू कोई खास नहीं है, फिर भी दुनिया के इतने बड़े वैल्यूएशन आदमी क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट कर दिया, इनकी वैल्यू को अनलॉक कर दिया। सऊदी अरब को ने कहा हम भी यही करेंगे। तो उसके लिए भैया मार्केट में दुनिया को बताना पड़ेगा हम कमाते कितने हैं। तो 2017 में पहली बार ही बाहर आए और इन्होंने कहा भैया हमारा IPO लाने का मन है। अब जिनका इनका IPO लाने का मन आया, तो बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने कहा भैया हमारे IPO ले आओ, हमारे एक्सचेंज पे ले आओ। लंदन बोला हमारे पे लाओ, हांगकांग बोला हमारे पे लाओ, सऊदी अरब बोला नहीं भाई साहब तुम्हारे एक्सचेंज में नहीं जाएंगे, हमारी ही कंपनी है, हमारा ही तेल है, हम इसको लिस्ट भी हमारे ही एक्सचेंज पे करेंगे। तो इनकी इच्छा थी कि भैया मैं टोटल कंपनी का 5% हिस्सा पब्लिक कर दूं और 100 बिलियन रेज कर लूं। अब 5% देके 100 बिलियन लेना चाहते हैं, मतलब कंपनी की वैल्यू कर रहे हैं 2 ट्रिलियन, और उस समय वर्ल्ड में किसी भी कंपनी की वैल्यू 2 ट्रिलियन नहीं थी। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी तो लॉन्चिंग के दिन ही इसको होना था। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, इन्वेस्टर ने रुझान ही नहीं दिखाया। ग्लोबल इन्वेस्टर जो भी थे, बड़े इन्वेस्टर जो भी थे, उन्होंने कहा यार इस कंपनी में हमको मन नहीं है इन्वेस्ट करने का। अब बोलो राहुल जी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, इतनी टॉयल देने वाली कंपनी, इस पे क्यों इन्वेस्टर का मन नहीं है? हमको मौका मिले तो हम कर दें। सर जी ध्यान से सुनो क्यों नहीं कर रहे। पहला कारण था पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। बोले सर ये क्या होता है? अरे बोले देखो सर पहले भी तो ये अमेरिकन कंपनी थी, 50% अमेरिका का शेयर था, सऊदी अरब के शेयर। बोले नहीं जी हमको चाहिए, इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। जैसे इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, अगर सरकार जो चाहे तब कर सकती है। कल को तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट करो और सरकार बोले नहीं है नेशनलाइज कर दिया, नहीं है तुम्हारा शेयर, तो कहां जाओगे? तो इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चक्कर में लोगों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। दूसरा, ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है जिसका सूरज उदय हो रहा है, ये वो इंडस्ट्री है जिसका सूरज ढल रहा है। जितने बैरल आज निकाल रहे हैं हो सकता है 2-3 साल और बढ़ा लें, लेकिन आगे 10 साल बाद ये कम ही होगा, 20 साल बाद ये कम होगा, 30 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। तो जो कंपनी का 30 साल बाद ब्राइट फ्यूचर नहीं है, क्यों लगाना है उसमें पैसा? तीसरा था लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? कि अरे इतनी बड़ी कंपनी है, अगर इसमें शेयर ले भी लिया, इसको लिस्ट कहां पे कर रहे हैं? इनका सऊदी अरब का एक्सचेंज है तवादुल, वहां पे एक्सचेंज कर रहे हैं। अब यार वो इतना छोटा सा एक्सचेंज है कि वहां पे सऊदी अरब को लिस्ट भी हो गई, और कल को आप सोचो कि यार मुझे तो एक ही दिन में 500 करोड़ का माल बेचना है, क्योंकि सऊदी अरब को मैं छोटा आदमी तो क्या लगाएगा, बड़े बड़े आदमी। तो बड़े आदमी ने कहा 500 करोड़ बेचना चाहेंगे, बेच भी नहीं पाएंगे, इतना सा तो एक्सचेंज है। तो इस चक्कर में इन्होंने लिक्विडिटी रिस्क के चक्कर में इन्होंने कहा इस एक्सचेंज पे तो नहीं कर रहे, न्यूयॉर्क में होता तो फिर भी कर लेते। चौथा, इसमें फॉरेक्स रिस्क भी है। क्यों? ये भैया आप सऊदी अरब में लिस्ट है, तो पहले अगर आपको चीज खरीदनी तो पहले अपनी करेंसी लेके सऊदी अरेबिया में आओ, उसको कन्वर्ट करो, उस करेंसी में शेयर खरीदो, फिर भाव बढ़ने के बाद उसको वापस बेचो और वापस अपनी करेंसी में लेके जाओ। तो इसके खरीदने बेचने में इतने कमीशन में और वैल्यू में, तो आपका अगर 10% आपने कमाया भी, 2-3% तो वहीं खत्म हो गया, क्या मतलब है इसी रिटर्न का? और ये समझ आ गया सऊदी अरब की सरकार को भी। तो इन्होंने जहां पे अपनी टोटल वैल्यू का 5% का IPO निकालने वाले थे, इन्होंने IPO निकाला मात्र 1.30% का, इतने से कहीं निकाला। और उसके लिए भी इन्होंने अपनी लोकल जनता को टीवी पे ऐड चले इस IPO के, होर्डिंग लगे इसके, हाईवे पे ऐड हुए, कैंपेन चले, सऊदी अरब की जनता को बकायदा लोन प्रोवाइड कराया गया, तुम लोन लो, लोन ले लेके इसमें इन्वेस्ट करो, और ऐसा करके बड़ी मजबूरी में किया गया। तो भी सर ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO निकल गया। 1.3% शेयर भी जब लॉन्च किए तो उससे भी 25.6 बिलियन रेस किए। नंबर 2 पे आता अलीबाबा, अलीबाबा नंबर 1 था 25 पे, उसको पार करके 25.6 रेस किए, इतनी डिफिकल्टी के बाद भी सबसे बड़ा। तो पहले दिन जब लिस्ट हुआ इसकी वैल्यूएशन थी 1.7 ट्रिलियन, लेकिन बाद में बढ़ के हो गई 2 ट्रिलियन, और अभी ये चल रही है 2.2 ट्रिलियन के आसपास। इसके आगे सिर्फ एप्पल है, बाकी सब इससे कोसों दूर है। अंबानी अडानी दोनों को बिठा के 5 गुना भी कर दोगे तो भी सऊदी अरब की वैल्यूएशन के आसपास नहीं पहुंच पाओगे। इस केस स्टडी से जो सीखने के लेसन है वो सुनिए। सबसे पहली बात, आपका पास्ट कितना ग्लोरियस रहा था उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने पुराने जमाने में क्या किया था यार, आज क्या कर रहे हो, आपके फ्यूचर में सबका इंटरेस्ट है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में बैठे हो कि हाँ राहुल जी मैंने खूब पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं, पर 10 साल बाद उसका फ्यूचर नहीं है ना, चीजें स्विच कर लो। हमारे मोटा भाई भी जामनगर में स्विचिंग करने लग गए हैं, हर विजनरी 5 साल आगे की सोच रहा है, और आप कह रहे होगी जब देखी जाएगी। भैया सऊदी अरब को नहीं छोड़ा दुनिया ने, आपका क्या होगा? दूसरा, इसी तरह की केस स्टडी जैसे मैंने जियो के बारे में बताया, जामनगर के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, और कोई ऐसी ऐसी कंपनी जिसके बारे में आप चाहते हो मैं डिटेल से केस स्टडी करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।